हेलो स्टूडेंट्स, आज जैसा कि आप जानते हैं पटवारी का पेपर था, तो मैं आपको पटवारी के पेपर से थोड़ा रूबरू करवाना चाहूँगा। ये आप देख सकते हैं, जैसे जो ये पेपर था दो हिस्सों में डिवाइड था। 50 क्वेश्चंस जो थे इसके, वो मल्टीपल चॉइस थे बेस्ड ऑन कम्प्रीहेंशन। वो जो 5 क्वेश्चंस थे वो क्या था, सब्जेक्टिव बेस्ड था क्वेश्चन। और इसमें जो 50 क्वेश्चन है मल्टीपल चॉइस, और उसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। ओके, तो चलते हैं इसका फर्स्ट पेज पे। 2 घंटे का एग्ज़ाम था ये, इसका फर्स्ट पेज है पार्ट 1। तो अब देखते हैं, ये पहला यहाँ पे कम्प्रीहेंशन आया है, ठीक है, और उसके ये 10 क्वेश्चन दिए गए हैं साथ में। ये इसका फर्स्ट पेज है, और ये इसका सेकंड पेज, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सेकंड कम्प्रीहेंशन स्टार्ट हो गया है 20 से, जो 10 से 20 क्वेश्चन है उसके, आप देख सकते हैं। और ये इसका थर्ड पेज, कम्प्रीहेंशन थर्ड, ये देखिए 21-30। और ये इसके ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन है 20 से 25, और ये 26 से 30, ठीक है। और ये इसका कम्प्रीहेंशन फोर्थ कम्प्रीहेंशन आ गया, ठीक है। और ये इसका लास्ट कम्प्रीहेंशन 41 से 50, ठीक है। तो ये यहाँ पे ये जो आपका मल्टीपल चॉइस है यहाँ पे ख़त्म हो रहा है, 50 क्वेश्चन कंप्लीट हुए, ठीक है। ये फर्स्ट पार्ट था जिसको रीडिंग सेक्शन बोला गया है, ठीक है। और इसमें 0.25 नेगेटिव मार्किंग भी है। और ये जो है आपका पार्ट सेकंड, जिसको हम सब्जेक्टिव पार्ट बोलेंगे। तो देखिए, इसमें फर्स्ट जो क्वेश्चन है उसमें लेटर राइटिंग है, तो इसमें आपको तीन खत में से आपको कोई एक खत करना था। ये आप पढ़ सकते हैं जिसको उर्दू आती है, ये देखिए। और ये ट्रांसलेशन आया, ट्रांसलेशन फ्रॉम उर्दू टू इंग्लिश, ये 10 मार्क्स का है, खत भी 10 मार्क्स का था। ये इसका कंप्लीट ट्रांसलेशन है। और ये नीचे ऐसे राइटिंग जिसको हिंदी उर्दू में मजमून कहते हैं, ये भी 10 मार्क्स का है। ये इसके 3 ऐसे आए, और इसमें से आपको सिर्फ एक ही करना था। और ये यहाँ पे आपको जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है सेंटेंस फॉर्मेशन, तो इसमें आपको 10 यहाँ पे वर्ड दिए हैं, और उसको आपके 10 जुमले बनाने हैं। जुमले मीन्स सेंटेंसेस बनाने हैं। और ये जो है आपका 55th क्वेश्चन जो है, ये आपको ट्रांसलेशन, इसमें आपने इंग्लिश टू उर्दू ट्रांसलेट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो जैसा कि आप देखें ये जो पेपर था, तो मैंने कुछ अपने स्टूडेंट से पूछा, तो उन्होंने बोला कि ये 2 घंटे का एग्ज़ाम था। और मैं जम्मू की बात करूँगा जहाँ पे स्टूडेंट्स को इतनी उर्दू नहीं आती, वो कहते हैं कि इसको 2 घंटे जो टाइम था बहुत कम था। बहुत ही जम्मू के जो बच्चे हैं, बहुत ही कम बच्चों ने जो है इसको अटेम्प्ट कर पाए हैं, और बहुत ही लेंथी पेपर था। और फ्रेंड्स, एक और चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, ये जो पटवारी का सिलेबस और एनटी का जो सिलेबस था बिल्कुल सेम था। तो ये पेपर आपको देख के मीन्स की एनटी के लिए आप तैयारी कर सकते हो कि आपको इस तरह से पेपर आएगा। इसमें जो कम्प्रीहेंशन थे बहुत लेंथी थे, ये आप देख सकते हैं, क्योंकि जम्मू के स्टूडेंट को इतना उर्दू की नॉलेज नहीं है, तो उनके लिए ये बहुत लेंथी पेपर था। और ऐसे भी लेंथी पेपर था क्योंकि 2 घंटे में आप इतना नहीं कर सकते। ये आप देख सकते हो कितना लंबा पैराग्राफ है, इसको उर्दू में ट्रांसलेट करना है, इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। ओके, सो स्टूडेंट्स ऑल द बेस्ट,
और इस चैनल को प्लीज़ जितना हो सकता है सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये अच्छा वीडियो लगा हो तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आप कुछ भी लिख सकते हैं, जिस तरह की आपको वीडियो चाहिए। और सो स्टूडेंट्स, इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। जितना आप सब्सक्राइब करोगे इतने ही आपको और अच्छी वीडियोस मिलेंगे यहाँ पे हर टॉपिक के रिलेटेड। ओके, सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू फॉर वॉचिंग।